देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों, यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, दिल में एक जुनून जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाए घोंसला, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। क्या खूब कहा किसी ने, हर इंसान के जीवन के लिए ये चंद लाइनें फिट बैठती हैं। जिंदगी में सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, ये सबको बताए, नो शॉर्टकट, नो सिल्वर बुलेट दैट लीड्स टू सक्सेस। कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो आपको विजय की तरफ ले जाएगा, आपको खुद अपने आप पे भरोसा करके आगे बढ़ना पड़ेगा। सक्सेस कम्स फ्रॉम स्मार्ट थिंकिंग, स्मार्ट लिविंग, स्मार्ट वर्किंग। हमें स्मार्टर बनना पड़ेगा दूसरों से, छोटे छोटे डिफरेंसेस बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। 211 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर पानी गर्म होता है, लेकिन 212 पे वो उबलता है। दोनों में रात दिन का फर्क है। पानी गर्म केवल आप खाना बनाने में और चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जब पानी उबलता है वो स्टीम पैदा करता है, एनर्जी पैदा करता है, जिससे रेल चलती है, जिससे बहुत कुछ हमारे कल पुर्जे काम करके हमारी फैक्ट्रियाँ चलती हैं। 80-20 का फॉर्मूला हम सब पे बहुत ज़्यादा लागू होता है। 80% काम, 20% एफर्ट्स लगा के हो जाते हैं, लेकिन कई 20% काम पे हमें 80% एनर्जी लगानी पड़ती है, प्रयास लगाने पड़ते हैं। ये फॉर्मूला हम हर आदमी के जीवन में बहुत कामयाब है। इस दुनिया के अंदर 80% जो टोटल संपत्ति इस दुनिया की, वो 20% लोगों के पास में है। इंडिया के अंदर 1% लोगों के पास में 57% टोटल संपत्ति देश की है। आप अंदाज़ा लगाइए वो 1% कौन है, चंदे का आदमी है। 80% स्टूडेंट मेहनत करके कामयाब होते हैं, 20% टीचर की सपोर्ट चाहिए, 80% स्टूडेंट के खुद के एफर्ट होते हैं कोई भी एग्जाम पास करने के लिए। 8 रईस लोग इस दुनिया में 50% संपत्ति को ओवन करते आज के दिन। आप अंदाज़ा लगाइए वो 8 कौन कौन है, जिसमें वॉरेन बफेट खास करके शामिल होता है, टॉप में आता है। आज देश की विनम्रता देखिए आप, गरीब कहता है कि मेरे पास में ताकत नहीं है इस सिस्टम को बदलने की। हमारा भी चाहते हैं हमारा देश बदले, हमारा माहौल बदले, सिस्टम बदले। बदलेगा कौन? गरीब कहता है एनर्जी नहीं है, मध्य वर्ग के लोग कहते हैं हम जैसे कि हमारे पास में समय नहीं है, और जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जो धनी लोग हैं, उनको इस सिस्टम को बदली करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका काम इससे चल रहा है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरी एडवाइस है, पीछे की बात पे ना सोच करके, जो बीत गया वो बीत गया, क्योंकि वेस्ट पेपर है वो, पास्ट इज ए वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज ए न्यूज़पेपर, एंड फ्यूचर इज अ क्वेश्चन पेपर। इसको सोच के हम चले, बीते हुए को कभी याद ना करें, वो केवल आपको निराशा देगा। जो प्रेजेंट में आज हम हैं उसको इंजॉय करें। इसीलिए एक छोटा बच्चा इंजॉय करता, ना उसको फ्यूचर की चिंता, ना उसको पास्ट की चिंता। हम सबको सोचना होगा हम कहाँ पैदा हुए, किस घर में पैदा हुए, किस माहौल में पैदा हुए, वो मैटर नहीं करता, उसमें हमारी गलती नहीं है, भगवान ने जहाँ भेजा पैदा हो गए। लेकिन हम अपने जीवन में वहीं पे रह करके घिसटते घिसटते समय बर्बाद करके इस दुनिया से चले जाते हैं, तो हमें सब लोग ब्लेम करेंगे, वो हमारी गलती, हमने स्ट्रगल किया ही नहीं ज़िंदगी के अंदर, और ज़िंदगी का नाम ही स्ट्रगल है। गोल्डन रूल्स जो सक्सेस के हैं उसको हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप क्या चाहते हैं, आप इस दुनिया में क्यों आए। जिस दिन ये पता लग गया, आपकी आधी लड़ाई तो वहीं पे जीत लिया आपने। उसके बाद में जितना आप अपने अंग को, अपने दिमाग को जितना स्ट्रेच करोगे, उतने आप बड़े होंगे, आप ग्रो करेंगे। जिस चीज़ को आप नाप नहीं सकते उसको आप इम्प्रूव ही नहीं कर सकते। इसलिए अपने आपके ग्रेड दिन का भी अपने आपके मार्क्स आप अनोट करो कि आज दिन में मैंने कितना किया, कितनी पढ़ाई की, कितना खेल किया, कितने अच्छे मैंने चैरिटी की, कितने भले किए लोगों के, कितने लोगों की मदद की। जब आप पैदा हुए थे, आप चिल्लाए थे इस दुनिया में आते ही, लेकिन आपके परिवार वालों ने जश्न मनाया था।
बट आप जब जाएंगे, जब आप जाएंगे तब आपके परिवार वाले चिल्लाएंगे, रोएंगे, लेकिन आप आनंद से अपना सफ़र करके दुनिया से चले जाएंगे। क्या विडंबना है हमारे देश की। ब्रेक डाउन मत हो, ब्रेक थ्रो करो जीवन के अंदर। अगर ब्रेक डाउन हो गए वहीं पर रुक गए आप। डोंट क्राई बट ट्राई। रोने से कुछ नहीं मिलने वाला है, कोशिश करने से मिलने वाला, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अमेरिकन केवल केवल रॉयल्टी के ऊपर चलते रहे और जापानीज लॉयल्टी के ऊपर चलते रहे। जापान कहाँ पहुँच गया, अमेरिका का 10वें हिस्से के बराबर भी नहीं है, लेकिन तकनीक के अंदर जापान इस दुनिया में नंबर वन है। अगर आप दुनिया में बेस्ट बनना चाहते हो, यू हैव टू बी नंबर वन, यू हैव टू बी द बेस्ट। इफ यू वांट टू बी द ओनली वन, यू हैव टू बी यूनिक। इस दुनिया में अपने आप में एक किस्म, अकेले एक किस्म के होना चाहते हो तो आपको यूनिक बनना पड़ेगा। समय सबके पास में 24 घंटे का है, किसी के पास फालतू नहीं है। कोई लोग 24 घंटे में से मेहनत करके आगे बढ़ जाते, कुछ 24 घंटों में समय बर्बाद करके वहीं के वहीं रह जाते। एक डीसी बन जाता है, एक का बाप डीसी रेट के लिए लोगों के सामने मिन्नत मांगते, पिता मेरे बेटे को डीसी रेट में लगा दो। बात देखिए आप, सोच बात की। बात रेन को वाइट करने के लिए आसमान से ऊपर चला जाता है। इंसान एक आशियाना ढूंढता है बरसात से बचने के लिए। सोच देखिए आप, अगर आपके बगल में कोई हो रहा है उसको इग्नोर कर रहे हैं कि मेरा क्या है, मुझे क्या मतलब है, कल आप उसका निशाना बनने वाले हैं। आपके ऊपर कल वो विपदा आने वाले, तैयार हो जाइए। अगर एक इंसान जुर्म सहन कर रहा है वो जुर्म करने वाले से भी ज्यादा बड़ा अपराधी है, क्योंकि वो सहन क्यों कर रहा है। जो जुर्म कर रहा है उस आदमी को वहीं पे आप पकड़ो, मारो, बताओ, भगाओ। जीतने वाले कामयाब इंसान कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन उनका काम करने का ढंग अलग होता है। वही काम करने का ढंग उनको आगे ले जाता है। डिसिप्लिन अगर घर में प्रैक्टिस किया जाए, अगर हर बच्चा, हर युवा, हम अगर अनुशासन में उसको रखें तो हर घर हेवन बन जाएगा। ये हम पे डिपेंड करता है, हम कैसे उसको, बच्चे को अपने को हैंडल करते हैं। आप अगर सपना नहीं ले सकते हो तो दूसरा आपके एनर्जी को यूज करके अपने सपने पूरे कर लेगा। इसलिए सपने लो, सपने को साकार करने के लिए सब कुछ उस पे लगा दो। नेगेटिव माइंड कभी भी आपको पॉजिटिव एनर्जी नहीं देगा। एक ऐसी शख्सियत बनो कि जहाँ पे आप रहो वहाँ लोग आपकी बात सुने, जहाँ पहुँचने से पहले लोग आपकी इंतजार करें, और अगर वहाँ से आप चले जाओ तो लोग आपको याद करें। ऐसी शख्सियत अपने अंदर पैदा करो। लंबे एवं स्वस्थ जीवन के लिए किसी ने बहुत अच्छा फॉर्मूला दिया है, ईट हाफ, वॉक डबल, लाफ ट्रिपल एंड लव लिमिटलेस। ये मूल मंत्र है स्वस्थ रहने का। किसी ने कहा है दवाई की तरह खाना खाओ, अदरवाइज एक दिन ऐसा आएगा आपको खाना दवाई की तरह खाना पड़ेगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप कैसे अपने आप पे कंट्रोल करते हैं। डोंट मेक कमिटमेंट व्हेन यू आर हैप्पी। कभी भी किसी को वादा मत दो जब आप बहुत ज्यादा खुश हो। जब आप गुस्से में हो किसी भी बात का जवाब मत दो। डिसीजन मत लो जब आप बहुत ज्यादा खुशी हैं, आप कहीं गलती कर लोगे। किसी ने ठीक कहा है, फेल, हम वर्ड यूज करते हैं अपने जीवन में, उसका मतलब हम फेल ना लेकर के हमने फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, पहला प्रयास सीखने का। एंड एक वर्ड अगेन, एक बहुत नेगेटिव वर्ड है बट हमें ये याद रखना चाहिए, एंड मीन्स ईएनडी, एफर्ट्स नेवर डाई। व्हेन यू ट्राई, व्हेन यू पुट योर एफर्ट, यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। नो वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड, जहां भी हम जाएंगे नो,
नौ का मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। अगर एक दरवाजा आपके लिए बंद है, दूसरा दरवाजा आपके लिए वेट कर रहा है, दूसरा मौका आपके लिए, अवसर आपके लिए वेट कर रहा है। वर्ड है फियर, एफ ई ए आर, इट हैज टू मीनिंग, फॉरगेट एवरीथिंग एंड रन, और फेस एवरीथिंग एंड फाइट। बात आप पे है, आप कैसे इसको देते हैं। आपने फेस करना है एंड राइज, ये ही इस जीवन का सिद्धांत है। मैं सभी युवाओं से, विद्यार्थियों से मैं अर्ज करूंगा इस वीडियो के माध्यम से कि कभी भी हिम्मत ना हारें। धन्यवाद।